किसी सरकार ने समाज की सुध नहीं ली और ना ही इस समाज का जो अधिकार था वो मिल पाया। लेकिन हम लोग ये आपको कहना चाहते हैं कि अगर अधिकार लेना है तो अधिकार भीख में नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। और उसे छीनने के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, एकता के सूत्र में आपको बंधना पड़ेगा। और भाई जो जिलाध्यक्ष उमेश कश्यप जी है उसका कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर के उसको साथ देना होगा, उसके साथ चलना होगा, तभी इस लड़ाई को आप आगे बढ़ा सकते हो। क्योंकि 72 साल बीत चुके हैं, अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि 72 साल और बिता दें। क्योंकि जब से आज़ादी मिली है तब से लेकर के अब तक, चाहे कोई सी भी पार्टी रही हो, इसका समाज निषाद समाज इस मछुआ समुदाय को हर बार गुमराह किया गया है, उनके साथ छल किया गया है। जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो इस समाज के बारे में भिन्न भिन्न घोषणाएं कर दी जाती हैं, लेकिन सारी घोषणाएं झूठी होती हैं, फरेब से भरी हुई होती हैं। और सत्ता में हमें कोई भागीदारी नहीं मिलती। अगर हमारे युवा नौजवान साथी या हमारे समाज के नेतागण हर पार्टी में काम कर रहे हैं, उन सभी पार्टियों में दिलो जान से वे लोग काम करते हैं, लेकिन जब चुनाव का समय आता है और टिकट का समय आता है उन लोगों को पीछे कर दिया जाता है। और जो लोग मेहनत नहीं करते, सरमाएदार लोगों को, पूंजीपति लोगों को, उन लोगों को टिकट दे दिया जाता है और इस समाज की वोट ले लेते हैं। हमारा समाज फिर वहीं खड़ा रहता है, 5 साल फिर इंतजार करता है। लेकिन हम आपसे वादा करना लेना चाहते हैं और वादा मैं भी करना चाहता हूं कि हमारे पास अब 5 साल का वक्त नहीं है, 72 साल छोड़ो, हमें लड़ना होगा। अगर हमारे समाज के नौजवानों को जो पार्टियां सबसे अधिक भागीदारी देगी हम उस समाज का साथ देंगे, और जो पार्टियां खाली हमारे समाज को गुमराह करके हमारी वोट लेना चाहेगा हम उसका बहिष्कार भी करेंगे। लेकिन हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं, हमारे समाज के ऊपर हर प्रदेश में बहुत अत्याचार हो रहे हैं। पीछे मैं हरियाणा में गया था, आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू देखा होगा टीवी पे और मेरे वक्तव्य भी देखा होगा। बिजोल गांव के अंदर पानीपत में 3 बच्चों का निर्मम हत्या कर दी गई, लेकिन दबंग जातियों के द्वारा वो हत्या की गई और हमारे समाज की सुनवाई नहीं की गई। हमारे समाज के लोगों ने हरियाणा में, करनाल में और पानीपत में बहुत ज़बरदस्त आंदोलन किया, जिसमें हमारे समाज के ऊपर लाठीचार्ज और बर्बरतापूर्वक उनके साथ अत्याचार किया गया और हमारे समाज के लोगों के खिलाफ उल्टा 307 के मुकदमे दर्ज किए गए। लेकिन हम लोगों ने वहाँ जाकर के उसमें आंदोलन कूदे, तब जाकर के खट्टर सरकार ने जब धमकी दी हमने, तब जाकर के उनके ऊपर से 307 की धाराएं हटाई गई और वो केस वापसी लिए गए। इसी प्रकार यूपी के अंदर हर जिले में अत्याचार हो रहा है, हमारे बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, हमारे गरीब भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन किसी भी सरकार में हमारी सुनवाई नहीं हो रही। आज मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी दल का नाम नहीं लेना चाहता, कोई भी दल सत्ता में आया हो, लेकिन हर दल की सत्ता में आने के बाद हमारे समाज के ऊपर अत्याचार नहीं रुके हैं। मैं अब भी कहना चाहता हूं कि योगी सरकार और मोदी सरकार सेंटर में और स्टेट में बैठी हुई और हमारा समाज पुरजोर से इन लोगों का साथ दे रहे हैं, हमारे युवा साथी उनका साथ दे रहे हैं। हर जिले में, हर विधानसभा में हमारे लोग जी तोड़ से काम कर रहे हैं। लेकिन हम भी कहना चाहते हैं कि जब हमारा समाज दिलो जान से आपका साथ दे रहा है तो आपका भी अधिकार बनता है कि हमारे समाज का ध्यान रखा जाए और हमारे समाज की हर समस्या का समाधान किया जाए। 1950 से लेकर के आज तक
आज तक आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आरक्षण की भीख नहीं मांग रहे, हम पहले से ही चार नाम से उत्तर प्रदेश के अंदर SC कोटे में आते हैं। हेलो, और आने के बावजूद भी हमारे लोगों का सर्टिफिकेट नहीं बनाया जा रहा। हम आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि जो उन चार नाम से हमारी जाति का आरक्षण पहले से मौजूद है, चाहे तुरह के नाम से हो, चाहे मझवार के नाम से हो, चाहे गोंड के नाम से हो, ये पहले से हमारा आरक्षण है। लेकिन हमारी जाति के इन जाति के जो पर्यायवाची शब्द हैं, हमें धीमर भी कहा जाता है, हमें केवट भी कहा जाता है, हमें मल्ला भी कहा जाता है, हमें तुरह भी कहा जाता है, हमें बाथप भी कहा जाता है, हमें भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। लेकिन हम माझी, मझवार, गोंड और तुरह जाति की उपजातियाँ हैं। हम सिर्फ अंकित कराना चाह रहे हैं लिस्ट के अंदर, हम कोई नई मांग मांगना नहीं चाह रहे। तो हम ये सरकार से ये बात कहते हैं कि हमारी जातियों का, पर्यायवाची जातियों का अंकित करो और जल्द से जल्द उसकी छाप हमारे समाज के। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि हर गांव में जहाँ भी आप जाओ, इन बातों को फैलाओ, एकता को बढ़ाओ और लोगों को आगे बढ़ने के लिए, संगठित करने के लिए संगठन से जोड़ो, जिससे कि हमारा हाथ मजबूत होगा और आपका हाथ मजबूत होगा। तब हम इस पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जितने हमारा सही प्रकार हम जनजागरण अभियान चला रहे हैं, और जैसे ही चलेगा तो अगर हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम इस उत्तर प्रदेश के अंदर जिले वाइज, ब्लॉक वाइज, विधानसभा वाइज, नगर पालिकाओं में हम घेराव करेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे। हम उत्तर प्रदेश की धरती पे निषादों का और कश्यपों का बोलबाला है, 14% की हमारी आबादी है। हम कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन हम शांति प्रिय लोग हैं। अगर ये चाहते हैं कि हम उग्र आंदोलन करें, हम रोडों पर उतरें, तभी हमें कुछ मिल सकता है, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं और आप लोग भी तैयार हो। और आप उमेश भाई का, ब्रजेश जी का, भाई धीरज जी का आप लोग सहयोग करें, साथ दें और कंधे से कंधे मिलाकर चले। इस फर्रुखाबाद जिले में नहीं, इसके आसपास भी आप लोग प्रचार प्रसार करो। आपके आसपास के सभी जिलों का गठन हुआ है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब उधर से आपको जरूरत पड़ेगी उधर आओ, और जब उधर जरूरत पड़े तो उधर आ जाओ। और आने वाले 22 के चुनाव में अगर हमने अपनी शक्ति दिखाई तो मैं वादा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हमारी भागीदारी होगी और हमारी उस सत्ता में भी भागीदारी होगी जब हमारे लड़ने वाले वहाँ बैठ जाएंगे। क्योंकि आज हमारे लड़ने वाले वहाँ नहीं मौजूद हैं, इक्का दुक्का हैं, उनको बोलने नहीं देते। और समाजों के दुनिया भर के हैं, 20-20, 30-30 समाज के लोग बैठे हुए हैं, विधायक बन के विधायक बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, चेयरमैन बैठे हैं, लेकिन हमारे समाज के कोई इक्का दुक्का कोई है उसकी आवाज़ को उठाने नहीं दे देते। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसमें, इस आंदोलन में, इस भागीदारी में। और मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा, अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा हो हमारे समाज के ऊपर, तो आप लोग झुकना नहीं, रुकना नहीं, अड़ जाना है और उस लड़ाई में आप आगे बढ़ करके चलना होगा और हमें उस कमजोर व्यक्ति का साथ देना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय कैसा समाज। हेलो उमेश, क्या हाल है?